नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। कांग्रेस के पेटीएम कैंपेन के बाद सामने आए जॉब और कॉन्ट्रैक्ट के लिए पैसे वाले स्क्रीनशॉट। कर्नाटक में 8 नए विश्वविद्यालयों की होगी स्थापना। विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक विधानसभा में पारित। विधेयक को उच्च शिक्षा मंत्री सी.एन. अश्वथ नारायण ने पेश किया। महाराष्ट्र में मुस्लिमों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का आकलन करेगा TISS। एकनाथ शिंदे ने बनाई समिति। बैंकिंग और साइबर फ्रॉड रोकने के लिए केंद्र की बड़ी तैयारी। संसद में जल्द पेश होगा नया बिल। कनाडा में रह रहे भारतीयों के लिए केंद्र ने जारी की एडवाइजरी। कहां सतर्क रहे और सावधानी बरते। मशर थाना परिसर में दुर्गा पूजा को लेकर हुई शांति समिति की बैठक। पूजा पंडाल में CCTV लगाने, अश्लील गीत नहीं बजाने संबंधित दिए गए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के बसवराज बोम्मई सरकार पर कांग्रेस पिछले कुछ दिनों से हमलावर है। घोटालों के आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री बोम्मई के खिलाफ पे सीएम नाम के पोस्टर के बाद कांग्रेस ने अब सीएम पद के लिए नकद और कमीशन के स्क्रीनशॉट जारी किए हैं। इन स्क्रीनशॉट में PSI स्कैम सहित विभाग घोटालों का जिक्र किया गया है। राजधानी बेंगलुरु के कुछ हिस्सों में दीवार पर चिपकाए गए पे सीएम के पोस्टरों के बाद कांग्रेस ने अब पे सीएम स्क्रीनशॉट की एक श्रृंखला जारी की है, जिसमें सीएम पद के लिए नकद, 40% कमीशन, PSI सहित विभिन्न घोटालों के बारे में बताया गया है। इसमें सहायक प्रोफेसर और कनिष्ठ अभियंता, भर्ती घोटाला आदि शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नए स्क्रीनशॉट में कहा गया है कि जूनियर इंजीनियर पद के लिए 30 लाख रुपए मिले हैं। दूसरे स्क्रीनशॉट में कहा गया है कि ठेकेदारों के विवरण के साथ 40% प्राप्त हुआ। एक स्क्रीनशॉट में कहा गया कि सीएम पद के लिए भुगतान विफल रहा है। इसमें 2,500 करोड़ रुपए का लेन देन मूल्य लिखा हुआ है। सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ अभियान चलाने के अलावा कर्नाटक कांग्रेस उन भाजपा मंत्रियों को भी निशाना बना रही है जो कथित रूप से घोटालों का हिस्सा रहे हैं। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता अपने फोन से पे सीएम QR कोड दिखा रहे हैं। कर्नाटक विधानसभा ने बुधवार को 8 नए विश्वविद्यालयों के गठन के लिए कर्नाटक राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 पारित कर दिया। इस विधेयक के तहत 7 जिलों में नए विश्वविद्यालयों के गठन और मंडया में एकात्मक विश्वविद्यालय के उन्नयन का प्रस्ताव है। विधेयक को पेश करते हुए उच्च शिक्षा मंत्री सी.एन. अश्वथ नारायण ने कहा कि नए विश्वविद्यालयों का निर्माण नई शिक्षा नीति के अनुरूप है। इसमें हर जिले में एक विश्वविद्यालय की परिकल्पना की गई है। सरकार प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए 2 करोड़ रुपए निर्धारित करेगी। विधेयक पर चर्चा हुई और उसके बाद इसे पारित किया गया। चर्चा के दौरान अध्यक्ष सहित विभिन्न दलों के सदस्यों ने राज्य विश्वविद्यालय की गुणवत्ता और कामकाज में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के बारे में चिंता जताई। अश्वथ नारायण ने कहा कि नए विश्वविद्यालय कोडगू, चामराजनगर, हासन, हावेरी, बीदर, कुप्पल और बागलकोट जिले में स्थापित किए जाएंगे। वही मंडया में मौजूदा विश्वविद्यालय का विस्तार किया जाएगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार हर जिले में कम से कम एक विश्वविद्यालय होना चाहिए जो वहां के युवाओं की शैक्षिक और कौशल संबंधी जरूरतों को पूरा कर सके। यह लंबे समय की मांग है और इसलिए मुख्यमंत्री ने कुछ जिलों के लिए बजट की घोषणा की थी। आने वाले दिनों में अन्य जिलों के लिए भी इस पर विचार किया जाएगा। तेलंगाना के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तारक रामा राव ने कहा है कि तेलंगाना के किसी भी बीजेपी जोकर में हिम्मत नहीं है कि यह मांग कर सके कि हमारा अधिकार क्या है। ये नेता गुजराती आकाओं के जूते उठाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन वे तेलंगाना के लिए अधिकार मांगने का साहस नहीं दिखा सकते। दरअसल वह तेलंगाना के भाजपा अध्यक्ष बंडी संजय कुमार के अमित शाह के जूते उठाने की तरफ इशारा कर रहे थे। तारक रामा राव ने कहा है कि गुजरात मोदी के भक्तों का गढ़ बन गया है। महाराष्ट्र में अल्पसंख्यकों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने के उद्देश्य से एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली NDA सरकार ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस TISS को राज्य में रहने वाले मुस्लिम समुदाय की स्थिति पर एक अध्ययन करने के लिए कहा है। एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य सरकार ने इस अध्ययन के लिए 33.9 लाख रुपए के बजट को मंजूरी दी है। आपको बता दें कि राज्य में मुस्लिमों की आबादी 11% है। सरकार के प्रस्ताव के अनुसार यह अध्ययन मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करेगा। यह समुदाय पर राज्य की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, ऋण पहुंच और बुनियादी ढांचे की नीतियों के प्रभाव का भी समझकर सरकार के सामने पेश करेगा।
केंद्र सरकार बैंकिंग और साइबर फ्रॉड रोकने के लिए बड़ी तैयारी कर रही है। जल्द ही इसके लिए कानून में बदलाव करके सख्त नियम बनाए जाएंगे। शुक्रवार को सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022 में कई बड़े प्रावधान होंगे, जिससे लोगों को फ्रॉड से बचने में मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि जब किसी के पास कोई फ्रॉड कॉल आता है तो कॉलर के बारे में पता नहीं होता, लेकिन आने वाले समय में इस तरह का प्रावधान होगा जिससे कि कॉलर के बारे में कॉल रिसीव करने वालों को पता चल जाएगा। KYC यानी नो योर कस्टमर व्यवस्था के तहत हर किसी को अपने अकाउंट की जानकारी सर्विस प्रोवाइडर को देनी होती है। KYC की इस प्रक्रिया को मजबूत किया जा रहा है। अगर कोई अपने बारे में सर्विस प्रोवाइडर को गलत या गुमराह करने वाली जानकारी देता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान होगा। भारत सरकार ने कनाडा में रह रहे भारतीय नागरिकों एवं छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी की है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची की ओर से किए गए ट्वीट में कहा गया है कि कनाडा में हेट क्राइम, सेक्टेरियन वायलेंस और भारत विरोधी गतिविधियों की घटनाओं में तेज वृद्धि हुई है। विदेश मंत्रालय और कनाडा में हमारे उच्चायोग वाणिज्य दूतावास ने इन घटनाओं को कनाडा के अधिकारियों के साथ उठाया है और उनसे उक्त अपराधों की जांच करने और उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। इन अपराधों के अपराधियों को कनाडा में अब तक न्याय के कटघरे में नहीं लाया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एडवाइजरी में आगे कहा गया है कि ऊपर वर्णित अपराधों की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए भारतीय नागरिकों और कनाडा में भारत के छात्रों, यात्रा, शिक्षा के लिए कनाडा जाने वाले भारतीयों को सलाह दी जाती है कि वे उचित सावधानी बरते और सतर्क रहे। कनाडा में रहने वाले भारतीय नागरिक और छात्र ओटावा में भारतीय उच्चायोग या टोरंटो व वैंकूवर में भारत के महावाणिज्य दूतावास के साथ उनकी संबंधित वेबसाइटों mother.government.in के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण किसी भी आवश्यकता या आपात स्थिति में कनाडा में अपने नागरिकों के साथ बेहतर ढंग से जुड़ने के लिए भारतीय उच्चायोग और महावाणिज्य दूतावास को सक्षम करेगा। PFI ने NIA की इस कार्रवाई के खिलाफ आज केरल में 12 घंटे का बंद बुलाया है। NIA ने टेरर फंडिंग के मामले में देश भर के 15 राज्यों में PFI के 106 लोगों को गिरफ्तार किया था। हाल ही में सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि PFI की छापेमारी करके उन पर जुल्म किया जा रहा है। PFI मुस्लिमों के हक की लड़ाई लड़ता है। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बिदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बिदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8483221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहाँ घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियाँ, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहाँ पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, BBB कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 0984409065।
आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आँखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 और 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बिदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। अगर आप हज या उमरा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आइए। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उमरा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स हज एंड उमरा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 0402456786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, हुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उमरा ग्रुप, हैदराबाद। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहु उपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल इस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148, 0848222710। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है। और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर। इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर, बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बीदर। कॉन्टेक्ट नंबर 9880040334। देखिए, बात स्वागत है आपका, देखते हैं अन्य समाचार। एम्स दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का
कार्यकाल आज शुक्रवार को समाप्त हो रहा है। उनकी जगह अब डॉक्टर एम श्रीनिवास लेंगे, जो कि ESIC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हैदराबाद के डीन हैं। बता दें कि डॉक्टर रणदीप गुलेरिया 28 मार्च 2017 से एम्स दिल्ली के डायरेक्टर का पद संभाल रहे हैं। इस पद पर दो बार एक्सटेंशन भी मिल चुका है। उनका कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। गौरतलब है कि डॉक्टर एम श्रीनिवास एम्स के ही पीडियाट्रिक विभाग के प्रोफेसर हैं। फिलहाल प्रतिनियुक्ति पर ESI अस्पताल हैदराबाद में डीन की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उनका नाम देश के विशेषज्ञ डॉक्टरों में शुमार किया जाता है। मशरक थाना परिसर में गुरुवार की शाम थानाध्यक्ष डॉक्टर रितेश कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में मशरक BDO मो आसिफ, CO रविशंकर पांडे, पुलिस इंस्पेक्टर राधेश्याम प्रसाद एवं थानाध्यक्ष ने सभी पूजा समिति के पदाधिकारियों से शांतिपूर्ण ढंग से दुर्गा पूजा मनाने की अपील की। पूजा पंडाल में CCTV कैमरा लगाने, पुरुष एवं महिला दर्शनार्थियों के लिए अलग अलग बैरिकेड्स लगाने, अग्निशमक रखने के साथ साथ भीड़ नियंत्रित करने के लिए पूजा समिति के सदस्य को मुस्तैद रखने का निर्देश दिया है। साथ ही मूर्ति विसर्जन के दौरान जुलूस में अश्लील गीत और नृत्य पर पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है। इसका उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में सभी पूजा समितियों को आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करने और मूर्ति विसर्जन के रूट चार्ट का उल्लेख आवेदन में करने की बात कही गई है। बैठक में यह बात भी तय किया गया है कि पूजा के दौरान लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति अनुमंडल पदाधिकारी से प्राप्त की जाएगी और लाउडस्पीकर एक्ट के अनुसार पूजा के दौरान लाउडस्पीकर सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक ही बजाया जा सकेगा। बैठक में तय किया गया है कि दुर्गा पूजा के दौरान किसी के भी द्वारा आपत्तिजनक व्यवहार किए जाने और नशा का सेवन करने पर उनके खिलाफ पुलिस द्वारा कठिन कार्रवाई की जाएगी। बैठक में सभी पूजा समिति के लोगों से अपील किया गया है कि पूजा पंडाल में बिजली का वैध कनेक्शन लेंगे और किसी भी तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन से यातायात बाधित न हो, इसका ख्याल भी रखेंगे। बैठक में मुख्य रूप से समाज सेवी चंद्रमा सिंह, प्रखंड शिक्षक संघ अध्यक्ष संतोष सिंह, BDC संजय सिंह, BDC प्रतिनिधि चुनमुन बाबा, प्रखंड वार्ड संघ के उपाध्यक्ष मुकेश ओझा, पूजा समिति के लोटा सिंह, चंदन रस्तोगी, मुकेश रस्तोगी सहित अन्य उपस्थित रहे। छपरा से KP न्यूज के लिए संत कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। जनपद संभल के हजरत नगर गढ़ी थाना क्षेत्र में जुआ रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि हजरत नगर गढ़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस चौकी फतुल्लागंज के गांव बैटला में पुलिस चौकी की मिली भगत के चलते डंके की चोट पर जुए का कारोबार चलाया जा रहा है। इस गांव में होने वाले जुए में बाहर से भी जुआरी आते हैं, जिसके चलते क्षेत्र में कभी भी कोई बड़ी घटना घट सकती है। इस अभी जुए के अड्डे पर पुलिस का संरक्षण प्राप्त है, जबकि योगी सरकार माफियाओं पर लगातार कार्रवाई के आदेश जारी कर रही है, फिर भी हजरत नगर गढ़ी थाना क्षेत्र में डंके की चोट पर जुए की खाईवाड़ी चल रही है। यह फतुल्लागंज चौकी इंचार्ज देवेंद्र कुमार खुद कह रहे हैं। जुआ सूत्रों की माने तो इसके एवज में फतुल्लागंज पुलिस चौकी में मोटा पैसा जाता है, जिसके चलते पुलिस चौकी की पुलिस अपने संरक्षण में इस जुए के कारोबार को चलवा रही है। आखिर पुलिस अपने आप में कितना गिर चुकी है। संभल से KP न्यूज के संवाददाता रजा हुसैन की रिपोर्ट। संभल पीड़ित ने थाने में 5 लोगों के खिलाफ तहरीर दी। थाना राजपुरा क्षेत्र के गांव मलिकपुर निवासी गजेंद्र पुत्र रामतौर ने जानकारी देते हुए बताया कि आज हमारे बाजरे के खेत में गाय चर रही थी। जब हमने खेत में चरने से मना किया तो हमारे साथ जमकर मारपीट की गई। मारपीट में जितेंद्र सिंह पुत्र रामतौर, पुष्पेंद्र सिंह पुत्र रामतौर, सपना पत्नी पुष्पेंद्र, अनिता पत्नी गजेंद्र, लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायल द्वारा आरोप लगाते हुए बताया गया है कि हमारे साथ मारपीट करने वाले जग्गू पुत्र प्रेम सिंह, सौरभ पुत्र जग्गू राजेंद्र, पुत्र देवेंद्र कन्हैया, पुत्र देवेंद्र योगेश, पुत्र देवेंद्र आदि लोगों ने मारपीट की है। मारपीट की सूचना हमारे थाना राजपुरा एवं डायल नंबर 112 पर सूचना दी 112 पहुंच गई, लेकिन थाना पुलिस नहीं पहुंची और हमें सरकारी अस्पताल राजपुरा से पुलिस द्वारा जिला अस्पताल संभल मेडिकल कराने के लिए भेज दिया गया है। घायल के भाई जितेंद्र सिंह द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि राजेंद्र पुत्र देविंदर बार बार छुट्टा गायों को हमारे खेत में कर देते हैं और जब हम लोग मना करते हैं तो हमारे साथ मारपीट करते हैं। पीड़ित ने थाने में घटना के संबंध में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। संभल से रजा हुसैन की रिपोर्ट। साहब गाय के भाला मार रहे थे, हमारे भाई ने मना करी थी, इसी बात में भाई को पीटा और वो भाला उठा करके उसके मारा था। किसके मार दिया? गजेंद्र के। आपके भाई के मार दिया? कहाँ पे लगा भाला? उसके सिर में लगा हुआ था। आपके भाई के साथ और किसी के साथ मारपीट हुई है? हाँ। कितने लोगों को पीटा? 5 लोगों को पीटा था। किस किस ने पीटा आपको? जग्गू ने पीटा था और राजेश ने पीटा था, कन्हैया ने पीटा था
घटना कब की है ये? घटना है रात के 8 बजे की। थाने को सूचना दी आपने? कौन सा थाना आपका? थाना रखता है। पुलिस पहुंची मौके पे? पुलिस कार्यकर्ता साहब थाने वाले नहीं पहुंचे, कार्यकर्ता फोन नंबर पर फोन किया था, कई बार फोन किया था, एक बार फोन गए थे तो थाने वालों ने फोन नंबर वालों ने नहीं करा। शाहरुख खान इन दिनों अपनी फिल्म जवान को लेकर चर्चे में हैं। तमिल फिल्म निर्देशक अरुण कुमार यानी एटली की फिल्म में वे खास अंदाज में नजर आएंगे। फिल्म के टीजर से ही यह दर्शकों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हाल ही में एटली ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया और उनके बर्थडे पर साउथ सुपरस्टार थलापति विजय और बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान विश करने पहुंचे। बस यहीं से यह चर्चा शुरू हो गई है कि जवान में विजय खास किरदार में नजर आ सकते हैं। एटली कुमार ने बर्थडे सेलिब्रेशन की एक फोटो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की। इस फोटो में वे बीच में खड़े हैं और उनके एक और थलापति विजय और दूसरी ओर शाहरुख खान खड़े हैं। तीनों ब्लैक आउटफिट में हैं और इस फोटो के साथ एटली ने लिखा कि अपने बर्थडे पर मैं इससे ज्यादा और क्या मांग सकता हूँ। मेरा अब तक का सबसे अच्छा बर्थडे मेरे पिलर्स के साथ है। जैसे ही एटली ने यह पोस्ट शेयर की, फैंस के बीच हलचल मच गई। सभी यह पूछने लगे हैं कि क्या शाहरुख खान स्टारर जवान में थलापति विजय भी नजर आएंगे। फिलहाल एटली ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि थलापति विजय फिल्म में एक खास रोल में नजर आ सकते हैं। भारत समेत दुनिया भर के देशों में कोरोना वायरस का संक्रमण धीरे धीरे कम होने लगा है, लेकिन इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने चेतावनी दी है और COVID-19 को लेकर सावधान रहने को लेकर आगाह किया है। WHO ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई कमजोर न पड़े, महामारी से आर्थिक और स्वास्थ्य क्षति को रोकने के लिए समन्वित कार्रवाई और राजनीतिक प्रतिबद्धता अभी भी जरूरी है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम गेबियस ने एक प्रेस वार्ता में कहा, COVID-19 महामारी खत्म नहीं हुई है, लेकिन हाँ अंत करीब है। उन्होंने कारणों का हवाला देते हुए कहा कि महामारी अभी भी प्रति सप्ताह 10,000 लोगों की मौत का कारण बन रही है, जिनमें से अधिकांश को रोका जा सकता है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कांग्रेस के पेसीएम कैंपेन के बाद सामने आए जॉब और कॉन्ट्रैक्ट के लिए पैसे वाले स्क्रीनशॉट। कर्नाटक में 8 नए विश्वविद्यालयों की होगी स्थापना। विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक विधानसभा में पारित। विधेयक को उच्च शिक्षा मंत्री CN अश्वथ नारायण ने पेश किया। महाराष्ट्र में मुस्लिमों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का आकलन करेगा TISS। एकनाथ शिंदे ने बनाई समिति। बैंकिंग और साइबर फ्रॉड रोकने के लिए केंद्र की बड़ी तैयारी। संसद में जल्द पेश होगा नया बिल। कनाडा में रह रहे भारतीयों के लिए केंद्र ने जारी की एडवाइजरी, कहा सतर्क रहे और सावधानी बरते। मशर थाना परिसर में दुर्गा पूजा को लेकर हुई शांति समिति की बैठक। पूजा पंडाल में CCTV लगाने, अश्लील गीत नहीं बजाने संबंधित दिए गए निर्देश। KP न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।